इंडिया 360 के जरिए। मायावती और अखिलेश ने किया गठबंधन का ऐलान, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की घोषणा, मोदी और शाह पर साधा निशाना। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी ने दूसरे दिन की बैठकों को औपचारिक आगाज, मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। राष्ट्रीय लोक अदालत में 15 जोड़े हुए एक, पारिवारिक विवाद के चलते हुए थे अलग, अब एक दूसरे को माला पहनाकर फिर हुए एक दूसरे के। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव आज बीकानेर में, कैमल महोत्सव की थीम, ऊंट श्रृंगार, बाल कतराई, ऊंट नृत्य, मिस मरवण और मिस्टर बिकाना प्रतियोगिता। कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की गई, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह ने शिक्षा संकुल से इसकी शुरुआत की। जयपुर में कड़धनी हादसे के बाद जिम्मेदारों की नींद टूटी है, अपर कोटे में ऑपरेशन मांझा चलाया जा रहा है, पुलिस जगह जगह चाइनीज मांझे को लेकर छापेमारी कर रही है। अलवर के कठुवर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो सगे भाइयों के परिवारों में लाठीबाजा जंग हो गई, झगड़े में चार महिला सहित 10 लोग घायल हुए। नागौर जिले के सिरसा से धोखाधड़ी का मामला आया सामने, जहां बिरलोका गांव स्थित एसबीआई बैंक की शाखा में गिरोह ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक दंपति के नाम से फर्जीवाड़ा कर केसीसी की राशि गबन किया। अलवर में बाइक सवार बदमाशों ने एक मोबाइल शॉप पर धावा बोल दिया और कट्टे की नोक पर दुकान मालिक से 40,000 नकदी सहित लगभग एक दर्जन एंड्रॉइड फोन लेकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर के सादो शहर में नशीले पदार्थ की तस्करी से संबंधित एक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, पुलिस ने तस्करी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सीकर में सूरज पुल गेट के पास स्थित मारुति मार्केट में छापेमारी के दौरान हड़कंप मच गया, पुलिस ने मौके से चार लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सिरोही जिला अस्पताल अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह है बजट का अभाव। गौरतलब है कि अस्पताल में आईसीयू और बर्न यूनिट भी बंद है। सीकर के किशनपुरा का राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय इन दिनों हर ओर चर्चा का विषय बना हुआ है, दरअसल सीकर के इस स्कूल को ट्रेन की थीम पर तैयार किया गया है।